साथियों, टीएमसी सरकार गरीब, किसान, नौजवान और महिला के सशक्तिकरण में बहुत बड़ी रुकावट है। ये चार वर्ग जब तक सशक्त नहीं होंगे तब तक पश्चिम बंगाल विकसित नहीं हो सकता। इसलिए आज केंद्र सरकार गरीब, किसान, नौजवान और महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत हम गांव की बहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाजपा की सरकार गांव गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों को लाखों करोड़ की मदद दे रही है जिससे उनकी आमदनी और बढ़े। हमने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है। साथियों, पश्चिम बंगाल विकसित होगा तभी भारत भी विकसित होगा। इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर कमल खिले। खिलेगा, खिलेगा। टीएमसी को घमंड है कि उसके पास एक निश्चित वोट बैंक है। इस बार टीएमसी का ये घमंड भी टूटेगा। इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएगी। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार का उसकी विदाई का उसके पराजय का काउंटडाउन शुरू करेंगे।